गुड मॉर्निंग बच्चों, हमने प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट कर दी थी। प्रश्नावली 3.1 गुणा व भाग से संबंधित प्रश्नावली है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। उसमें हमने मानक रूप से किस तरह संख्याओं का गुणा किया जाता है यह देखा था। अब हम देवनागरी लिपि में गुणा करना सीखेंगे। देवनागरी लिपि यानी हिंदी भाषा के जो भारतीय अंक होते हैं उनका गुणा किस प्रकार करना है यह आपको यहाँ पर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देवनागरी लिपि की संख्याओं का गुणा कीजिए। देवनागरी लिपि की संख्याओं का गुणा करना है हमको। हम सीधे गुणा कर देते हैं, 562 को करना है 384 से गुणा। सबसे पहले इस 562 को 4 से गुणा करेंगे। 562 को 4 से किया तो 4 × 8 6 × 24 का 4, 8 × 3 का 2, 5 × 20 और 2 × 22। फिर 562 को 8 से गुणा करेंगे, 8 × 2 = 16 का 6, 8 × 3 का 1, 6 × 8 = 48 और 1 × 49 का 9, 8 × 3 का 4 और 8 × 5 = 40 और 4 × 44। इसके बाद इस 562 को 6 से गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। 3 को 2 से किया तो 3 × 2 पहले स्थान पे खाली, यहाँ पहला और दूसरा खाली, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18 का 8, 8 × 3 = 1 और 5 × 3 = 15 और 1 = 16। इन सब की टोटल करेंगे, यहाँ देखिए इन सब की टोटल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 × 6 = 10 = 0 8 × 3 = 1 2 × 1 = 3 9 × 3 = 12 और 6 × 18 = 8 8 × 3 = 1 2 × 1 = 3 4 × 3 = 7 और 8 × 15 = 5 8 × 3 = 1 4 × 1 = 5 और 6 × 11 = 1 8 × 1 = 2। तो इसका आंसर आ गया हमारे 215,808। आंसर क्या आ गया, 215,808। यह सिंपल गुणा है, देवनागरी लिपि में हमने किया है। इसके बाद में ये सेकंड गुणा आपको करना है, 715 × 260। देखो एक गुणा और करके बता देती हूँ इसमें आपको मैं, 715 × 260 ये 715, ये 260 इनटू करें। सबसे पहले पहली संख्या से गुणा करें तो ये 715 को 0 से करेंगे तो तीनों जगह 0 ही आ जाएंगे। अब 715 को 6 से करेंगे, 5 × 30 का 0, पहला स्थान खाली हो जाएगा क्योंकि हम टेंस वाली संख्या यानी दहाई वाली संख्या को गुणा कर रहे हैं। 5 × 30 का 0, 8 × 3 = 3, 6 × 6 और 3 × 9 और 7 × 42। फिर पहला और दूसरा खाली क्योंकि हम दहाई वाली को छोड़कर सैकड़े वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं। 5 × 10 का 0, 8 × 1 2 × 1 = 2 और 1 × 3 और 7 × 2 = 14। इन सबको जोड़ लें, 0 × 0 = 9 3 × 5 = 4 4 × 8 और 1 1 8 5 9 0। इसका आंसर क्या आ गया, 1 8 5 9 0। इस तरह आपको संख्याओं का गुणा करना है। देवनागरी लिपि में भी संख्याओं का गुणा उसी तरह करना है जैसा हमने सिंपल संख्याओं का गुणा करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, एक पैकेट में 225 ट्रॉफियां आती है, ऐसे 45 पैकेट में कितनी ट्रॉफियां आएंगी ज्ञात कीजिए। देखिए एक पैकेट में ट्रॉफी आती है 225, तो 45 पैकेट में कितनी ट्रॉफी आएगी, तो हम क्या करेंगे इन संख्याओं का गुणा करते हैं। तो इसको हल किस तरह करेंगे, शब्द को आप किस तरह लिखेंगे, एक पैकेट में ट्रॉफियां कितनी 225, तो 45 पैकेट में ट्रॉफियां निकालने के लिए क्या करेंगे, 225 को 45 से गुणा कर देंगे। ये देखिए 225 को 45 से गुणा कर दो
आप मानक रूप से चाहे तो वैसे भी गुणा कर सकते हैं, सिंपल गुणा करना चाहे तो सिंपल भी गुणा कर सकते हैं। तो 225 को 45 से गुणा किया, 5 को 5 से किया, 25 का 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 2 12। फिर 225 को 4 से किया, 225 को 4 से किया, 5 और 20 का 0 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 0 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 2 10। अब इन जोड़ लो इन सबको, 5 2 2 1 1 20 का 0 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 0 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 5 20 का 0 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 0 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो यहां 2 हो गए और यहां हो गया 9 और 1 10। 10,125 125। तो कितनी ट्रॉफी आएगी आंसर? 10,125 ट्रॉफी। कितने पैकेट में? 45 पैकेट में कितनी आएगी? 10,125 ट्रॉफियां। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टाडा में 165 छात्र पढ़ते हैं। एक दानदाता ने गणवेश के लिए छात्र 550 रुपए दिए, बताइए दानदाता ने कुल कितनी राशि दी? दानदाता ने कुल कितनी राशि दी है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टाटा में 165 छात्र पढ़ते हैं। एक दानदाता ने गणवेश के लिए प्रति छात्र 550, प्रति छात्र यानी गणवेश यानी तो होता है यूनिफॉर्म, एक बच्चे की यूनिफॉर्म के लिए 550 रुपए दिए, 165 छात्र पढ़ते हैं, तो आप दानदाता ने कुल कितनी राशि दी? इसके लिए हम क्या करेंगे? गुणा करते हैं। तो पहले एक छात्र, प्रति का मतलब होता है एक, एक छात्र की गणवेश के लिए राशि कितनी दी? 550 रुपए। तो 165 छात्र की गणवेश के लिए राशि कितनी हो जाएगी? 550 को किससे गुणा कर देंगे? 165 से गुणा कर दें। ये देखिए यहाँ गुणा करते हैं, 550 को 165 से गुणा कर लें। 550 को पहले, सबसे पहले इसको जीरो से गुणा करेंगे, 5 को जीरो से किया जीरो, 5 को 5 से किया 25, 25 का 5 हासिल का 2, 25 और 2 27।
फिर इसको 550 को 6 से करेंगे, 6 को 0 से किया, 0 6 5 30 का 0 हासिल कर 3, 6 5 30 और 3 33, फिर पहला स्थान सेकंड स्थान खाली, फिर यहाँ 550 को 1 से गुणा करेंगे तो 550 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस 550 ही आ जाएंगे। तो इन सबको जोड़ लें, 5 7 3 2 5 और 5 10 का 0 हासिल कर 1 3 4 1 5 9, आंसर कितने आ गए 165। छात्र के लिए दानदाता ने कुल कितनी राशि दी, तो आंसर आ जाएगा 90,750 रुपए। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक ड्रम में तेल आएगा, ज्ञात कीजिए। एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है, तो ऐसे 340 ड्रम में कितना लीटर आएगा। एक का पूछा है और बहुत का निकालना है तो हमेशा गुणा करना है, और बहुत का दिया हुआ हो और एक का निकालना हो तो क्या करना होता है, भाग करना होता है, जो हम अगले प्रश्नावली में हल करेंगे। तो यहाँ हल करते हैं, एक ड्रम में तेल आता है कितना, 220 लीटर, तो 340 ड्रम में तेल आता है, 220 को 340 से गुणा कर दो। यहाँ आपको करना कर, मेरे यहाँ जगह की शॉर्टेज के कारण मैं यहाँ करती हूँ, 220 को 340 से गुणा कर दो, 0 2 को 0 से किया 0, 2 को 0 से किया 220 को 4 से करें, 4 को 0 से किया 0, 4 2 8 4 2 8, फिर पहला स्थान दूसरा स्थान खाली, 0 3 2 6 3 2 6, सबको जोड़ दो, 0 0 8 8 और 6 14 का 4 हासिल करें 6 और 1 7, 74,800 लीटर, यानी 340 ग्राम में कितना तेल आएगा, 74,800 लीटर तेल प्राप्त होगा। बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 7 8 कुछ इसी तरह के प्रश्न है, मैं एक बार आपको पढ़ के बता रही हूँ और इनकी फोटो मैं आपको भेजूंगी, ये प्रश्न आपको घर पर बैठ के हल करने हैं। एक कुर्सी का मूल्य, प्रश्न 6 है, एक कुर्सी का मूल्य 678 रुपये है, तो 296 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्या करना है, 678 को 296 से गुणा करना है, इसी तरह लिखना है, एक कुर्सी का मूल्य इतना है तो 296 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, 213 क्यारियों में कितने पौधे होंगे जबकि एक क्यारी में 525 पौधे हैं, 600, तो इसमें भी यही करना है, 213 क्यारियों में कितने पौधे होंगे जबकि एक क्यारी में 525 पौधे हैं, तो 213 क्यारियों में कितने होंगे तो गुणा करना है। क्वेश्चन नंबर 8, 634 डिब्बों में कितनी गेंदे आएगी जबकि एक डिब्बे में 408 गेंदे हैं, ये सब गुणा के क्वेश्चन है और यह आप हल कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक आपको आपकी CW की कॉपी में हल करने हैं। इसके बाद हम अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 3.2, आपकी प्रश्नावली 3.2 भाग से संबंधित प्रश्नावली है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।